वेट वेट आगे वाले वाले पहिए से बर्फ काटते हैं पूरा पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो हरिद्वार क्रॉस करने के सीन के साथ मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिप में मैं अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा बर्फबारी या स्नोफॉल देखने वाला हूँ। नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं, बट सेकंड फ्रॉम द टॉप। दिस इज़ आवर ट्रिप टू हर्सिल। हालांकि जैसा कि आप लोग इस वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं शायद हर्सिल नहीं पहुँच पाऊँगा, तो ये बात भी सच है। स्नोफॉल इतना ज़्यादा मिलने वाला है कि हमें हर्सिल से महज 5-6 किलोमीटर पहले ही वापस आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम निकल जाएंगे टिहरी की तरफ और वहाँ के नज़ारे किसी फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं। तो बस बने रहिए और वर्चुअली एंजॉय करिए हमारे साथ इस जर्नी को। तो अभी सुबह का 4 बजा हुआ एग्जैक्टली और हम लोगों ने प्लान के अकॉर्डिंग जो रूट था उसे थोड़ा चेंज किया और हरिद्वार होते हुए हम लोगों ने देहरादून का रास्ता पकड़ा, ऋषिकेश की तरफ नहीं गए। और अब हम मसूरी पार कर रहे हैं और ये नज़ारा देखिए, सुबह 4 बजा हुआ है और अब हम लोग लगभग 11 या 12 बजे तक पहुंच पाएंगे हर्षद। चलिए अब आगे चलते हैं। और इस होती हुई सुबह के साथ और हम लोग अभी चंबा ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, करीब 30-40 किलोमीटर पे। तो चंबा वाले रास्ते पे, चंबा ये हिमाचल वाला नहीं है, चंबा उत्तराखंड वाला चंबा जो है, तो वहाँ पर एक छोटी सी शॉप मिली है जहाँ हम लोग मैगी खाएंगे अभी। हालांकि कहीं दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को, पर मसूरी जब हम लोग पार कर रहे थे तो मसूरी के अंदर के जो रोड्स हैं इतने ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, वहाँ पर पूरे 5 लोग बैठ के 6 लोग बैठ के गाड़ी चढ़ नहीं पाई। वीकेंड ट्रिप के लिए हर्सिल थोड़ा हेक्टिक लगता है, बट ट्रस्ट मी, जो व्यूज अब आपके सामने आने वाले हैं उसके आगे थकान का पता भी नहीं चलता। चलते चलते किसी जगह तो आ गए हैं, इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता पर बहुत ही ज्यादा सुंदर। बाइनोकुलर से देख के तो मजा आ गया भाई, शो ऑफ कर रहे हैं हम थोड़ा। हर्सिल इज अ विलेज सिचुएटेड इन द वैली ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर। हर्सिल व्हिच इज आल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी इन द स्टेट उत्तराखंड। हर्सिल गंगोत्री धाम से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगोत्री में ही गोमो ग्लेशियर से गंगा का उद्गम या ओरिजिन होती है। गोमुख से ये भागीरथी रिवर बनके आगे बढ़ती है और फिर आगे जाकर अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में संगम करके गंगा के नाम से जानी जाती है। राज कपूर्स हिंदी फिल्म राम तेरी गंगा मैली वॉज ऑल्सो शॉट इन हर्सिल। दो घंटे 15 मिनट की दूरी है अभी हम लोग के हर्सिल से और मौसम देख के ऐसा लग तो रहा है कि स्नोफॉल होगा, फिंगर्स क्रॉस कि स्नोफॉल हो जाए, मिल जाए। क्या चाहते हो, स्नोफॉल हो या ना हो? Yes, चाहिए yes, ना yes.
ठीक है, वोट तो यस की तरफ ही है सारे के सारे, लेकिन रोड भी ना बंद हो इसके लिए भी वोट है सबके। तो होटल मैंने बात की तो उससे ये पता चला है कि जो सुखी टॉप है वहाँ पर अभी स्नोफॉल हुआ है और बर्फ जमी हुई है और रोड्स बंद है, पर क्योंकि आर्मी का है कैंप वहाँ हरसिल में तो आर्मी वाले उसको साफ करते हैं, मशीन वगैरह गई हुई है, तो होपफुली आधे एक घंटे में बताया उसने कि साफ हो जाएगी। हरसिल सुखी टॉप अगर खुल गया और हम लोग क्लियर पार कर गए तो उसके बाद तो हरसिल तक जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, गंगोत्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बर्फ काफी जमी हुई होगी। फिर से एक बार हमारी कार ने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया और फिर हमें कार खाली करनी पड़ी। क्या जन्नत जगह है एकदम, हम लोगों को अपना लेह लद्दाख का ट्रिप याद आ गया जिसमें चांगला पास हम लोगों ने पार किया था बड़ी मुश्किल से, आर्मी की हेल्प लेके हम लोगों को पास करना पड़ा था वो। हाँ, अगर आपने नहीं देखा वाला वीडियो तो मैं साइड में लिंक दे दूंगा। ड्रोन लगा देना चाहिए था। यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर हरसिल रह जाता है। एक बार सुखी टॉप से अगर आगे निकल गए, नीचे जाना शुरू हो जाएंगे उसके बाद तो फिर बर्फ़ की इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आगे मुझे काफ़ी ब्लैक आइस दिख रही है। होपफुली भैया गाड़ी निकाल के ले गए हों सही सलामत। और एक बार फिर टायर्स ने जवाब दिया। हम लोग हर पॉसिबल तरीका अपना रहे थे कि कार का टायर बर्फ़ में ना फंसे और एक जगह ना घूम के आगे बढ़े, लेकिन ये चलते चलो धीरे धीरे। हमारे ड्राइवर भैया ने आके कार को बर्फ की दीवार पे ठोक ही दिया। ओह शिट, आगे से बर्फ निकालना। क्या है, मैं थोड़ा आगे तक का रास्ता देख के तो आ गया हूँ। उतनी ज़्यादा बर्फ तो मैं जहाँ तक गया वहाँ तक है नहीं जितनी अभी वहाँ पर जहाँ गाड़ी फंसी है, पर फिर भी यार बर्फ इतनी है कि फंस जाएंगे हम लोग, फंस सकते हैं। और डर इस बात का है कि इनकेस हम नहीं भी फंसे पहुंच गए तो कल इस बर्फ में ऊपर कैसे चढ़ेंगे। बढ़िया, रुक जा रुक जा। चल 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 धीरे धीरे, चलते चलना धीरे धीरे, निकल ही जाएंगे यार गाड़ी को जितनी दूर निकलती है। Thank you.
ये फर्स्ट गियर पे चलानी है, ब्रेक नहीं करना है। थोड़ा आप बता दो जरा ना कि हम लोग कहाँ गए, कोई भी बता दो कि उत्तरकाशी से आए सुबह आप? हाँ जी हाँ, दिल्ली से आए डायरेक्ट। नाइट स्टे कहाँ था आपका? कहीं नहीं, डायरेक्ट आए। अभी बने रही है हमारे साथ एक और मुसीबत देखने के लिए, और फिर उसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी के ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स के लिए। तो भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि मौसम का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत ही बुरा है। बहुत ही बुरा है या बहुत ही अच्छा है समझ नहीं आ रहा। बुरा क्या बोल रहा है? अच्छा है, अच्छा है। एक्चुअली हम लोग यही देखने आए थे, पर हाँ सेफ्टी भी जरूरी थी। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई अब हम लोग हर्षिल नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग को यहाँ से वापस से वो सारी रोड चढ़नी है जो पूरी बर्फ से ढकी हुई थी, हम लोग की गाड़ी फंस गई थी। तो कम से कम ये तो चार पैचेस हैं काफी टफ, और हमारे पीछे आ रही है QRT टीम। QRT टीम ने भी सजेस्ट किया कि आप वापस ही जाओ, क्योंकि उनके पास भी ऑर्डर आ गया था कि आगे मत किसी को आने दो क्योंकि रिस्क काफी है। तो वो हमारे पीछे ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओए आराम से आराम से आराम से, सीधा रखो सीधा, सांस लेकर आराम से करना। अरे नहीं, फंस गए हो। QR टीम हमारे साथ है और पूरी कोशिश हो रही है कि निकल जाए, हमारी गाड़ी सबसे आगे फंसी हुई है। भड़क रहे, ये कम मत करो। बढ़िया, सीधे चलते जाओ, चलते जाओ, रुका नहीं है, चलते चलो। वो गाड़ी भी निकल गई, बढ़ा दो, बस आराम से। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हम लोग वापस से सुखी टॉप पहुंच चुके हैं, क्या नाम है उनका, QR टीम के, क्विक रिस्पांस टीम की मदद से हम लोग अभी यहां तक तो आ गए हैं वापस से सुखी टॉप। फिर यहां से हम लोग निकलेंगे, डिसाइड करेंगे कि रुकना कहां है, उत्तरकाशी या गंगनानी, समझ नहीं आ रहा। मे भी उत्तरकाशी रुकेंगे क्योंकि जिससे कि कल हम लोग टाइम से फिर दिल्ली भी पहुँच जाएँ। वन थिंग, हैप्पी बर्थडे टू मी, मतलब बर्थडे हो तो ऐसा हो ठीक है, वरना ना हो और क्या। फिर उसके बाद हम चले गए उत्तरकाशी और वहाँ हमने स्टे किया एक बहुत ही सीनिक व्यू वाले होटल में, और ये है वहाँ की सुबह। और सुबह थोड़ा टाइम होटल में स्पेंड करके हम आगे निकल गए घर के लिए, और रास्ते के व्यूज वर जस्ट ऑसम।
मालदीव्स के वाटर कॉटेजेस के बारे में सुना होगा या फिर देखे भी होंगे, पर क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी वाटर कॉटेजेस हैं? यही है। इसके साथ ही वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। ड्राइव वेरी केयरफुली, स्पेशली व्हेन इन माउंटेंस।